जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आइए करते हैं अध्याय को प्रारंभ। यमदूत कहने लगा कि हे वेश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट यानी गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णुलोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकौड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था माघ मास का 11वां अध्याय। आगे के और अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।